वेलकम बैक टू माय चैनल आज की वीडियो है गेट अनरेडी विद मी सो अगर आपको ये लुक पसंद आई है और अगर आप ये लुक सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी इस लुक का आप देख सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी पैलेट से मैंने ये आई लुक क्रिएट किया है तो उस पैलेट का रिव्यू भी मैंने शेयर किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आप जरूर से चेक कर लीजिएगा आज की जो वीडियो है दैट इज़ गेट अन रेडी विद मी सो मैं आज जो है प्रॉपर एक स्किन केयर करने वाली हूँ और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो क्या करना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेट्स के started मेकअप को रिमूव करने से पहले जो भी आपने लाइक ड्रेसअप वगैरह सारी चीजें पहनी होती हैं तो उनको आपको चेंज करना होता है सो so, जैसे कि ये इयर हैं तो आप पहले इयर रिमूव करो ठीक है अपना आउटफिट चेंज करो एंड एक कंफर्टेबल क्लोथ में आ जाओ उसके बाद आप अपने हेयर्स को ट्राई करो सो ऑल दैट थिंग्स आपको करनी हैं ठीक है थीके? उसके बाद हम मेकअप को रिमूव करेंगे मेकअप को रिमूव करने के बाद हम अपना करते हैं स्किन केयर ठीक है मेकअप को पहने पहने आप नहीं सो सकते हैं मेकअप को पहने पहने आप लाइक बहुत देर तक चीज़ें ना करें ठीक है और सोना तो बिल्कुल भी नहीं है इस बात का हमेशा ध्यान रखें अदरवाइज़ आपकी स्किन जो है वो बहुत बुरी तरह ख़राब हो जाएगी ताने की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी तो चलिए सबसे पहले मैं आउटफिट चेंज करूँगी ज्वेलरी लाइक रिमूव करूँगी एंड देन मैं अपने हेयर को टाई करने वाली हूँ सो so उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ ओके okay? हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल एंड चलो अब बारी आती है यहाँ पे स्किन केयर की ठीक है सो या स्किन केयर से पहले जो है हमें मेकअप रिमूव करना होता है तो मेकअप रिमूव के लिए यहाँ पे मैं यूज़ रही हूँ दिस इज गानिया मसला वाटर एंड यू गाइ कैन यूज़ इट एंड ये काफ़ी अच्छा है आपके स्किन के अंदर जो है ना मॉइस्चराइज़र जो है ना मॉइस्चर बना रहता है इससे एंड या uh, yeah. सो so, इससे क्या होता है कि आपकी स्किन ड्राई नहीं होती फर्स्ट ऑफ़ ऑल एंड इससे मेकअप बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है सो ट्राई दिस अगर आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली आप वो ट्राई करो ये मेरी सेकंड परचेज है एंड या सो मैं यहाँ पे कॉटन का लाइक yeah, like, इस्तेमाल कर रही हूँ यू गाइस कैन यूज़ वाइप्स ऑल्सो सो वाइप्स भी यूज़ कर सकते हो एंड सो इट डिपेंड्स ठीक है सो so, सो so, so, कभी कभी मैं लाइक वाइप्स यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी कॉटन यूज़ कर लेती हूँ तो या yeah. सो so, uh, अगर आप मेरी स्किन केयर की ये वाली लाइक वीडियोस देखते हो तो ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होती हैं बिकॉज़ मेकअप के बाद आपको किस तरह से अपना स्किन केयर करना होता है वो सारी चीज़ें मैं आप अपने साथ शेयर करती हूँ सो so, उसके बाद यहाँ पे देखो मेकअप को बहुत अच्छे से रिमूव करो सबसे पहले अपना आई मेकअप को हटाओ ठीक है उसके बाद अपना ऑल ओवर जो भी आपके फेस पे मेकअप लगा है उसको हटाओ लिप पे आपका लाइक लिपस्टिक वगैरह लगी है तो उसको रिमूव करो ठीक है सो so, इससे क्या होता है कि जब आप लाइक फेस वॉश करने जाते हो ना तो आपको हेल्प मिल जाती है आपका मेकअप बहुत अच्छे से हट जाता है ठीक है सो so, यहाँ पे अगेन जो है मैं ले रही हूँ बिकॉज़ ये एक बार में जो है आपका मेकअप इतने अच्छे से नहीं हटता है तो एक दो बार आपको लाइक लेना पड़ेगा मिसल वाटर एंड उसके बाद आप रिमूव करोगे तो हट जाएगा उसके बाद कंप्लीट मेकअप आपका जो है फेस वॉश से हट जाता है तो यहाँ पे मैं फ़ेस वॉश यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ ये है गुड वाइब्स का पपाया फेस वॉश एंड ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है सो so, इसको हम लेंगे मैं हमेशा फेस वॉश जो है वो डाइल्यूट करके यूज़ करती हूँ मैं डायरेक्टली कभी भी अप्लाई नहीं करती हूँ बिकॉज़ डायरेक्टली वो आपके फेस पे जो है अच्छे से स्प्रेड भी नहीं हो पाता है जब तक आप उसको डाइल्यूट ना करो ठीक है सो डाइल्यूट मैं किसके साथ करती हूँ मैं इसको पानी के साथ मिक्स करती हूँ एंड उसके बाद मैं इसको लाइक like हैंड में रब करके एंड देन मैं अपने फेस पर इसको अप्लाई करती हूँ लाइक दस ओके सो so, इस तरीके से अप्लाई करेंगे एंड या uh, yeah, जब भी आपको लगे कि आपका फेस जो है लाइक uh, like, अच्छे से सर्कुलर मोशन में फेस वॉश नहीं अप्लाई हो पा रहा है देन अगेन ना वाटर लो एंड देन अप्लाई करो उसके बाद यहाँ पे मैंने नॉर्मल वाटर से Uh, जो है फ़ेस वॉश कर लिया था एंड उसके बाद ऑलवेज़ आप क्लीन टॉवल यूज़ करो अपने जितने प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे से रखो बिकॉज़ uh, मैं जिस टाइम पे शूट करती हूँ उस टाइम पे तो मैं नहीं रख पाती हूँ बट या मैं थोड़ी देर बाद फिर मैं अपनी सारी चीज़ों को सेटअप करती हूँ उसके बाद यहाँ पर यह है ग्लो टोनर एंड आप जो है रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो ये आपके फेस को हाइड्रेट रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपके फेस पे और आपके फेस को बहुत अच्छे से टोन्ड करता है सो so, डेफिनेटली आप यूज़ करा करो अगर आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं हो मेकअप यूज़ नहीं भी करते आप एक बॉय हो गर्ल हो कुछ भी मतलब तो आपको ज़रूर इसको यूज़ करना है सो so, यहाँ पे एक गुड वाइब्स का था ये आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो ये अब मैं यूज़ करी मॉइस्चराइज़र सो आप एज अ मॉइस्चराइजर जो आपको पसंद है आप वो अप्लाई करो मैं बहुत सारे मॉइस्चराइज़र्स जो है वो आप आपके साथ शेयर करती हूँ डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के सो आप मेरी वीडियोस को ज़रूर देखा करो मेरा स्किन केयर हमेशा डिफरेंट होता है कभी कोई प्रोडक्ट कभी कोई प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ ऑलवेज़ मैं सेम नहीं यूज़ करती या रोज़ वाटर मेरा ऑल मतलब सेम ही होता है बट बाकी प्रोडक्ट्स मेरे डिफ़र करते हैं ठीक है उसके बाद सो so, इस तरीके से एप्लीकेशन करो आप हमेशा सॉफ्ट हैंड ही इस्तेमाल करो ठीक है बहुत हार्शली अपने हैंड्स को मत चलाओ अपने फेस पे ठीक है बहुत प्यार से बहुत आराम से बहुत तरीके से बिकॉज़ आपकी फेस पे ना बहुत जल्दी नहीं तो रिंकल्स की प्रॉब्लम फाइनलाइन की प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाएंगी तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि बहुत जल्दी से ना आए तो अपनी स्किन का ख्याल रखना शुरू कर दो ठीक है सो या नेक को मत भूलो स्किन केयर जितना आपके फेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है उतना ही आपके नेक के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है सो so, सेम आप सारी चीज़ें यूज़ करो उसके बाद मैं यहाँ पे एज अ लिप बाम मैं यूज़ करी हूँ वैसलिन विंटर uh, स्टार्ट हो गए हैं तो मैं वैसिलिन यूज़ कर रही हूँ एंड ऐसा नहीं है कि विंटर में ही मैं इसको अप्लाई करती हूँ समर में भी मैं इसको यूज़ करती हूँ बट विंटर में मैं थोड़ा सा ज़्यादा एप्लीकेशन करती हूँ वैसलिन की बिकॉज़ इसके अंदर एक अपनी ही शीन है और विंटर्स में यू you नो know कि ग्लो तो सभी को बहुत पसंद है और विंटर्स तो स्पेशली क्योंकि ड्राई वाला सीजन होता है ड्राई हो जाती है सबकी स्किन तो ग्लो सब लोग चाहते हैं तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एक नेचुरल ग्लो जो है वो प्रोवाइड करता है सो so, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है ये स्किन टेक्निक पसंद आई है मेकअप के बाद की लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय गाइज टेक केयर फन बाय